अजय कुमार वर्मा एडवोकेट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की चित्रा बाथम, और आनंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना उबाटा के, यूबीटी के, वो भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। अजय कुमार जी, कई लोगों को लगता है कि जो असली गुनाहगार थे वो तो बच करके निकल गए, खासतौर पर वो जिनका राजनीतिक रसूख था, क्या 32 साल भी असली गुनाहगार उनको सजा मिली है? कुछ अजमेर दरगाह से जुड़े हुए थे, कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए थे। इस प्रकरण में जो तथ्य सामने आए थे वो इनिशियल स्टेज पे पुलिस ने तो इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन किया नहीं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन सीआईडी सीबी ने तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार के निर्देश पे किया था, उसमें जो तत्कालीन एडिशनल एसपी थे पाटनी जी, उन्होंने भी इसमें प्रभावी भूमिका निभाई, और बहुत सारे जो सीआईडी सीबी के अधिकारी थे उन लोगों ने अपनी प्रभावी भूमिका निभाई, इन्वेस्टिगेशन किया। फाइल पर जो आए मुलजिम उनके लिए अजमेर न्यायालय ने तो आजीवन कारावास दिया, और बाद में लैक ऑफ एविडेंस पर हाई कोर्ट ने अपनी इनरेंट पावर में और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इनरेंट पावर में उनको भुगती हुई सजा पर छोड़ा। करीब करीब इस प्रकरण में सब मुलजिमान जो न्यायिक अभिरक्षा में रहे और जो दोषमुक्त नहीं हुए वो 10 साल से अधिक की सजा पा चुके थे। ठीक है, इस पर किस तरीके की राजनीति इस वक्त राजस्थान में हो रही है, क्या इस वक्त हमें रिएक्शन, क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं राजस्थान से, एक बार जल्दी से सुन लेते हैं। 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद का ऐलान करें, साथी है कांग्रेस एनसीपी लेफ्ट। 32 साल पहले अजमेर के अंदर सैकड़ों हिंदू लड़कियों के साथ ब्लैकमेल करके बलात्कार करने की घटना, वे बलात्कारी दरगाह शरीफ के साथ जुड़े हैं, खादिम परिवार से जुड़े हैं और कांग्रेस के साथ भी जुड़े हैं। उन्होंने जिस प्रकार की एक दुर्दांत अपराध किया था ये सजा पर्याप्त नहीं है। 32 साल लग गए न्याय होने में, और 100 से ज्यादा स्कूली छात्राओं के साथ जिस तरीके से अजमेर में ये बलात्कार कांड हुआ था और जिस तरीके से राजस्थान के माथे पर कलंक लगाया गया था, मुझे लगता है कि देर से आया लेकिन एक अच्छा फैसला आया है। इस तरह के घिनौने अपराधों में कांग्रेस के लोग शामिल रहते ही हैं। अपराधी जो है अपराध किया और जेल में है, जेल में जा कर के उसने ट्रायल चली है, और भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध जोड़ रही है ये तो बीजेपी बता सकती है, जबकि बीजेपी को अब ये बताना चाहिए कि उनके तमाम विधायक पूर्व मंत्री जो इस तरह के आरोपों में घिरे हैं उनके खिलाफ तो पार्टी तक ने कोई कार्रवाई नहीं की, और यहाँ पे जब किसी को सजा हो रही है तो आप कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। तो एक तरफ अगर आक्रोश है बंगाल और बदलापुर को लेकर के, तो सुनील जी अजमेर के ऊपर चुप्पी क्यों? देखिए पद्मजा जी, मुझे लगता है कि किसी भी घटना पर चुप्पी नहीं होनी चाहिए। मैं संगीत रागी जी को सुन रहा था, मैं उनकी एक बात से सहमत हूं, किसको आप न्याय नहीं कह सकते, निर्णय कह सकते हैं। इस तरीके की घटनाओं पर न्याय तो तब माना जाएगा जब 32 साल ना लगे, 32 दिन लगे। वो घटना बंगाल की हो, उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, महाराष्ट्र की हो या अजमेर की हो। और आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं माननीय न्यायालय से भी एक अनुरोध करूंगा, और जिस विचारधारा के संगीत रागी जी हैं इनकी पार्टी से भी अनुरोध करूंगा। एक तो माननीय न्यायालय से यही अनुरोध करूंगा कि अगर किसी इस तरीके के जघन्य अपराध में, इस कुकृत्य में अगर न्याय मिलने में 32 साल लगेगा, तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को बल मिलेगा। और वही बात मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा संगीत रागी जी के माध्यम से, कि इनकी इकलौती एक ऐसी पार्टी और सरकार है जो बलात्कारियों को जेल से रिहा करती है, माननीय न्यायालय बाद में फिर उनको जेल भेजते हैं, तो कम से कम बीजेपी सरकार या इस सोच के लोग जो बलात्कारियों को जेल से रिहा करते हैं, ये इस तरीके की घटनाएं भी ऐसे लोगों को ताकत देती हैं जो महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ इस तरीके का घिनौना काम करते हैं। घटना किसी राज्य में भी हो, किसी के साथ हो, घटना को घटना की नजर से देखना चाहिए। हम लोग ये महसूस करते हैं पद्माजा जी कि उसमें भी 4-5 विचारधारा के लोग आते हैं और उस पर भी
डिबेट में राजनीतिक मुद्दा हो जाता है, बलात्कार, छेड़खानी, सामूहिक बलात्कार, ये जघन्य अपराध। इसमें सबको एक होना चाहिए कि जो अपराधी हैं उनको फांसी कैसे मिले। संगीत रागी, आप इसका जल्दी से जवाब देना चाहते हैं, फिर मैं शाजी आलमी के पास जाऊंगी। राजनीति कोई ना करे, अजमेर से भी उतने ही नाराज है सुनील जी जितने कहीं और से। मैं देखिए पद्मजा, ना करते करते भी सुनील भाई जो है वो राजनीति कर गए और राजनीतिक भाषा, इसीलिए मैंने राजनीतिक टिप्पणी नहीं, मैं भी चाहता तो कांग्रेस के नेताओं का नाम ले सकता था, तब तत्कालीन उस समय जो है वो अखबारों में कतरने निकली थी, वो कतरने भी नहीं, मैं निकाल करके रख सकता था। 250 लड़कियां उसमें उनको ब्लैकमेल किया गया था उस समय लगभग, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का नाम आया था, खादिम का नाम आया था। उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो मैं समाजवादी पार्टी के कई ऐसे नेताओं का नाम जिक्र कर सकता हूं जिनके बारे में अभी हम चर्चा करना शुरू कर देंगे तो हंगामा हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव की जो टिप्पणी थी उनके बारे में हम बात करना शुरू कर देंगे तो हंगामा हो जाएगा। दिग्विजय सिंह महिलाओं को लेकर के क्या कहते थे उसके बारे में बातचीत कर दें तो हंगामा है। जयंती नटराजन के बारे में कांग्रेस पार्टी के लोग ही क्या बोलते थे, ये सब यदि बात करना शुरू कर देंगे तो हंगामा हो जाएगा। मुझे लगता है आज वो वक्त आ गया है कि हम इन सारी दीवारों को तोड़ दें और भगवान के लिए कम से कम इस मुद्दे पर एकमत हो जाएं कि महिलाओं के साथ इस प्रकार के दुर्दंड अपराध किसी भी पार्टी के साथ। पर होता नहीं है ना प्रोफेसर साहब, होता यही है, मेरे राज्य का क्राइम और आपके राज्य का क्राइम, उसको उसी चश्मे से हर आदमी देखता है। बात अब महाराष्ट्र की भी कर लेते हैं क्योंकि उसको लेकर के भी बहुत गुस्सा है। 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद बुलाया गया है, बदलापुर में दो बच्चियों का जो यौन शोषण हुआ है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी बचा रही हैं, ठीक है उसकी बात अभी करते हैं। महाराष्ट्र पे थोड़ी सी देर के लिए फोकस में इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि उज्ज्वल निकम जी, एक सेकंड प्रोफेसर साहब एक सेकंड, की चुप्पी प्रियंका गांधी वाड्रा की चुप्पी, श्रीमती सोनिया गांधी के, बट ये सब बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है आपके पास में आती हूँ।